फैशन एक ऐसी चीज है जो या तो उसको लोग लव करेंगे या फिर हेट करेंगे। एजेस से अलग अलग फैशन स्टाइल्स आए हैं और गए हैं। कुछ लोगों को रीसेंट ट्रेंड्स को फॉलो करना होता नहीं है और कुछ लोगों को एटलीस्ट स्टाइल्स ट्राई करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर आप पसंद करो या ना पसंद करो, फैशन एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसमें बहुत पैसा है, फेम है और ज्यादातर हर कोई फैशनिस्टा बनना चाहते हैं। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल द इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। टी शर्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स इन द वर्ल्ड है क्लोथिंग में और करीबन वो 2 बिलियन सोल्ड होते हैं हर साल। लॉइन क्लॉथ सबसे ओल्डेस्ट आइटम है क्लोथिंग का और सेकेंड ओल्डेस्ट है स्कर्ट, जो अब तक बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वेडिंग ड्रेस का रिकॉर्ड है 1.85 माइल लॉन्ग ट्रेन का। पोर्टुगल क्वीन जोएना ने सबसे फर्स्ट हूप स्कर्ट पहना था अपनी प्रेगनेंसी छुपाने के लिए। क्वीन विक्टोरिया सबसे फर्स्ट पर्सन थी व्हाइट कलर अपने वेडिंग के दिन पहनने के लिए। उससे पहले व्हाइट कलर मॉर्निंग के टाइम पहना जाता था। यह माना जाता है कि एवरेज वुमेन अपनी पूरी लाइफ टाइम में 145 बैग्स खरीदेगी। कम से कम 80% वर्ल्ड में वुमेन अपने फीट से छोटे साइज के शूज खरीदते हैं। जनरली वुमेन ये सोचते हैं कि उनके पास स्मॉलर फीट है और इसीलिए स्मॉलर साइज चूज करते हैं। ब्लू कलर को साइन ऑफ लॉयल्टी भी कहा जाता है, जो एक्सप्लेन करता है US पुलिस ऑफिसर्स का यूनिफॉर्म्स ब्लू कलर का क्यों है। मैरिलिन मोनरो के पास एक ऐसा ड्रेस था जिसमें 6,000 राइनस्टोन्स एनक्रस्टेड थे और फिर वो 1999 में ऑक्शन हुआ $1.26 मिलियन के लिए। बार्बी जो सबसे पॉपुलर डॉल है वर्ल्ड में, सबसे पहले ड्रेस जो उसने पहना था वो था ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्ड स्विम सूट। सनग्लासेस को सेलिब्रिटीज ने इसीलिए पहनना शुरू किया ताकि वो एनोनिमस रह सके और कोई फैंस से बम्प ना कर सके। चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है कॉटन का। ओवर 90 मिलियन यार्ड्स ऑफ मटेरियल चाइना से आता है फैशन इंडस्ट्री को हर साल। ओरिजिनल सिंड्रेला के स्टोरी में ग्लास स्लिपर्स था ही नहीं। सिंड्रेला के शूज फर के बने हुए थे, पर स्टोरी चेंज की गई 1600s में और न्यू फेमस ग्लास स्लिपर्स ऐड किए गए। हैंडबैग को फर्स्ट डिजाइन किया गया था वुमेन को अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट करने के लिए और ये 19th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था। सिर्फ 1 बेल ऑफ कॉटन कम से कम 200 जीन्स बना सकता है और इसीलिए जीन्स की प्रोडक्शन बहुत होती है। रेनेसेंस पीरियड में अपने आईब्रो शेव ऑफ करना फैशनेबल था। 100 साल पहले अगर कोई वुमेन अपने बाल शॉर्ट कट करती थी तो लोगों को ये लगता था कि वो अपने हस्बैंड से अनफेथफुल है। वुमेन मेकअप क्लियोपेट्रा के टाइम से भी पहले से यूज करती है। बेरीज और दूसरे कई सारे फ्रूट्स वो अपने फेस पर लगाती थी ताकि उनका फेस थोड़ा ब्लश हो। वॉल्टर हंट एक अमेरिकन ने सेफ्टी पिन इन्वेंट किया था 1849 में। जो लोगों को टाइज कलेक्ट करना पसंद है उन्हें ग्रेविटोलॉजिस्ट कहते हैं। एलिजाबेथ वन हेड्स पहनने की बहुत शौकीन थी और अगर कोई भी फीमेल संडे को या पब्लिक हॉलीडेज पर हेड्स नहीं पहनती थी तो उन्हें लार्ज फाइन पे करना पड़ता था एलिजाबेथ वन के रेन में। तो दोस्तों, थे ना ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स फैशन से जुड़े, तो आप भी अपनी अभी फैशन की नॉलेज चेक कर सकते हैं। और अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।